व्हाट्सअप गाइस। सो फ्रेंड, जल्दी मार्केट में एक नया फोन आने वाला है जिसका आपको कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही समझा है, 64 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के कैमरे मार्केट में आने वाले हैं, जो कि Xiaomi ने भी बताया है। जबकि Samsung भी ये बात कह चुका है कि हम भी अपने मोबाइल में 64 मेगापिक्सल के कैमरे लाने वाले हैं। सो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो फ्रेंड, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप देख सकेंगे वीडियो से पहले। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड, आप बात करते हैं आगे। सो फ्रेंड, रियलमी ने अपने 64 मेगापिक्सल कैमरे का नया टीचर लॉन्च किया है। नए पोस्टर में फोटो के रेजोल्यूशन और साइज के बारे में पता चला है कि टीचर ने यह भी खुलासा हुआ है कि इस रेडमी स्मार्टफोन में 4 रियर कैमरे होंगे। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। इससे पहले Xiaomi के सब ब्रांड रेडमी ने 64 मेगापिक्सल सेंसर से ली गई तस्वीर को साझा भी किया था। इस पोस्टर के फोटो की क्वालिटी को भी दिखाने की कोशिश की गई थी। एक बार यह फिर से दावा किया गया है 64 मेगापिक्सल कैमरा वाला रेडमी स्मार्टफोन जल्द ही चीनी मार्केट में उतार जाएगा। सो फ्रेंड, इंडिया मार्केट में नहीं लॉन्च हो रहा है, ये चीनी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। इंडिया मार्केट में एक हफ्ता आता है, इसका हम इंतजार करेंगे। टीयर के मुताबिक इसमें 4 रियर कैमरे होंगे जो कि काफ़ी अच्छी तस्वीर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, इसका फोटो उन्होंने बताया है कि 64 मेगापिक्सल कैमरे की फोटो आपको 20 MB की मिलेगी। कंपनी ने यही बताया कि कैमरे द्वारा प्रोड्यूस की गई फोटो का रेजोल्यूशन 8K TV से भी बेहतर होगा। यह इस किस्म का अल्ट्रा रेजोल्यूशन फोटो प्रोड्यूस करने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। सो उसकी टीजर के पोस्टर में नाम का खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा लॉन्च की तारीख भी अभी उन्होंने नहीं बताई, इस पर भी उन्होंने एक चुप्पी साध रखी है। सिर्फ यह कहा है कि जल्द ही ये फोन मार्केट में आने वाले हैं। गौर करने वाली यह बात भी है कि 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे हैं रेडमी फ़ोन के लेटेस्ट टीजर की पहले कंपनी ने कोई भी सैंपल नहीं दिए हैं, उन्होंने अभी ये सैंपल दिए गए हैं। खबर है कि नए रेडमी फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा ISO Corbett GW1 सेंसर के साथ इसमें निकाला जाएगा, लेकिन यह सेंसर सैमसंग ने मई महीने में ही पर्दा उठा दिया था। सेंसर में 0.8 माइक्रोन और पिक्सल साइज के लेंस हैं। यह कैमरा कम रोशनी में 16 मेगापिक्सल की तस्वीर कैप्चर कर पाएगा। ऐसा सैमसंग के टेटा सेल टेक्नोलॉजी के संभव होगा। गौर करने वाली बात यही भी है कि Xiaomi अकेली कंपनी नहीं है जो 64 मेगापिक्सल कैमरे पर काम कर रही है। चर्चा तो यह भी है कि Samsung आने वाले समय में 64 मेगापिक्सल कैमरे से लेस गैलेक्सी A सीरीज का एक फ़ोन लॉन्च करने वाली है। इसी तरह से Realme इंडिया के CEO माधव सोट ने बीते महीने ही कंपनी के नए फ़ोन में 64 मेगापिक्सल के कैमरे की तस्वीर ली गई है, जो कि उन्होंने साझा भी की थी। ओप्पो की यह सहायक कंपनी होने के बाद इस साल भी Samsung में ISO कॉल GW1 सेंसर से लेस 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। सो फ्रेंड, जल्दी मार्केट में लॉन्च होंगे। सो फ्रेंड, इन्होंने ये डेट फिक्स नहीं कर रखी है किस डेट को ये अपने मोबाइल मार्केट में उतारेंगे। सो फ्रेंड, अभी तक आपने 48 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल कैमरे देखे होंगे, लेकिन फ्रेंड 64 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। सो फ्रेंड, इसके लिए एक लाइक जरूर करें। सो फ्रेंड, अभी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और अपने वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप देख सकेंगे वीडियो से पहले। सो फ्रेंड, अभी लेते हैं आगे फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।